सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, सरकारी अमले में करप्शन पर नजर रखने वाली अथॉरिटी। देश के नए सीवीसी चुने गए हैं संजय कोठारी, फिलहाल वो राष्ट्रपति के सचिव हैं। इसके अलावा सरकार ने बिमल जुल्का को अगला सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी चुना है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का स्पेशल सेक्शन आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे सीवीसी के बारे में, सीवीसी क्या है, नियुक्ति कैसे होती है और सीवीसी के पास क्या शक्तियां होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में नए सीवीसी चुने गए संजय कोठारी और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का, इन दोनों नामों पर फैसला हुआ है। इसके अलावा फैसला हुआ कि आंध्रा बैंक के पूर्व सीईओ सुरेश एन पटेल सीवीसी में कमिश्नर होंगे, वहीं पंजाब लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य अनिता पांडोव इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगी। यहां भी विवाद हो गया है, कांग्रेस ने सीवीसी को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय कोठारी को चुनने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सीवीसी के पद पर अपना रबर स्टैंप चाहती है। उन्होंने कहा, देश में सीवीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ निगहबान है, इसलिए ये जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की हो जिसकी ईमानदारी सवालों से परे हो। नियुक्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पूरा विवाद क्या है वो जान लीजिए। सीवीसी की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई थी, इसके सदस्य वित्त सचिव राजीव कुमार थे। टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक राजीव कुमार ने भी सीवीसी पद के लिए अप्लाई किया था, उन्हें सर्च समिति ने सीवीसी पद के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया था। अब इस पर भी विवाद हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जो समिति सीवीसी का चुनाव करती है उसके सदस्य हैं। उन्होंने सवाल पूछा, कोई आदमी अपने ही चयन के लिए सर्च कमेटी का सदस्य कैसे हो सकता है? सर्च कमेटी बनाने का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर सर्च कमेटी के एक सदस्य ने खुद उस पद के लिए आवेदन कर रखा हो तो उसे शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया हो और सीवीसी की पोस्ट के लिए सिफारिश भी की गई हो तो ये कैसे संभव है? इसके अलावा सीआईसी की अपॉइंटमेंट पर उन्होंने कहा कि सीआईसी को लेकर सरकार ने एडवांस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उन्होंने इसे तय प्रक्रिया से अलग भटकाव बताया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये पूछने पर कि क्या अधीर रंजन इन नामों से सहमत थे तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैंने पहले से ही अपनी असहमति दर्ज करवा दी थी, इसलिए बहस व्यर्थ है। यहां तक कि पीएम ने भी मेरी असहमति को स्वीकार किया था। इसके बाद नाम चुन लिए गए और मुझे नहीं लगा कि बहस में कोई पॉइंट है क्योंकि वो बहुमत में हैं। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष सीवीसी की नियुक्ति से असहमत हुआ हो। 2010 में सीवीसी को लेकर विवाद हुआ था जब सरकार ने टेलीकॉम सेक्रेटरी पीजे थॉमस को नियुक्ति देने का फैसला किया था। तब लोकसभा में विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और मार्च 2011 में पीजे थॉमस की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। सीवीसी के बारे में आपको कुछ बातें बताते चलते हैं। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी या क्लोज वॉच, सतर्क रहना। ये संस्था सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी रखती है, इसे लेकर सतर्क रहती है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। इसे 1964 में एक प्रस्ताव से बनाया गया था, संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। इस आयोग का जो चेयरपर्सन या मुखिया होता है उसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी सीवीसी कहते हैं। सीवीसी 4 साल या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है, इसके बाद वो किसी पद पर नहीं रह सकता। 2003 में सीवीसी को वैधानिक दर्जा मिला, इसके लिए लॉ पास किया गया। 2004 में आयोग को ताकत मिली कि वो भ्रष्टाचार की शिकायतें ले सकता है। ये कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीवीसी अपनी प्रक्रिया खुद रेगुलेट करता है, अपने नियम खुद बना सकता है, इसके लिए किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अब जानते हैं कि सीवीसी का काम क्या होता है। आयोग सरकार से जुड़े किसी भी ऑफिस के मिसयूज की शिकायत देखता है। भ्रष्टाचार की शिकायत विसल ब्लोअर भी कर सकता है, मतलब वो शख्स जो भ्रष्टाचार का खुलासा करता हो। विसल ब्लोअर्स एक्ट के तहत उसे सुरक्षा भी मिलती है। इसके अलावा सीवीसी का काम सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार को लेकर नजर बनाए रखना है। इसमें विसल ब्लोअर की शिकायत से पूछताछ करना या पूछताछ करवाना भी शामिल होता है। केंद्र सरकार अगर कहे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी नौकरशाह पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसमें केंद्र के ग्रुप ए के अधिकारी या किसी तय स्तर के अधिकारी हो सकते हैं,
उनके बारे में भी जांच सीवीसी करता है। करप्शन के मामले में सीबीआई की जांच में सहयोग करना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़े किसी मामले में सीबीआई को सीवीसी डायरेक्शन भी दे सकता है। करप्शन के मामले में सीबीआई का सहयोग करना भी सीवीसी का काम है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ी किसी मामले में सीबीआई को सीवीसी डायरेक्शन भी दे सकता है। सीबीआई की जांच का रिव्यू भी कर सकता है। एप्लीकेशन जो पेंडिंग है उनका भी रिव्यू कर सकता है। केंद्र सरकार अगर अनुशासन के मामलों पर ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े कुछ नियम बना रही हो तो उसमें भी सीवीसी की सलाह लेना जरूरी होता है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के चेयरपर्सन सीवीसी ही होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संदिग्ध ट्रांजैक्शन की शिकायत भी अगर हो तो भी यहां की जा सकती है। जब सीवीसी किसी मामले की पूछताछ कर रहा हो, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी चीज की पूछताछ कर रहा हो, तो उसके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है, जैसे सबूत मांगना, डॉक्यूमेंट मांगना, किसी की हाजिरी लगवाना, कोई भी सूचना कहीं से मंगाना। इसके अलावा केंद्र सरकार को सीवीसी सलाह देता है कि आगे क्या एक्शन लें कि करप्शन ना हो या कम हो। अगर सलाह नहीं मानी गई तो केंद्र सरकार को भी इसका कारण बताना होता है। अपने काम पर सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है सीवीसी। हर मंत्रालय में चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ होता है। यह मंत्रालय और सीवीसी के बीच का लिंक होता है। यह ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले करप्शन की खबर सीवीसी को पहुंचाता है। सीवीसी की नियुक्ति कैसे होती है? सीवीसी को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट खुद निर्णय नहीं लेते हैं, इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी होती है जो इसकी सिफारिश करती है। कमेटी में कौन कौन होता है? नंबर 1 प्रधानमंत्री होते हैं, वो कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। नंबर 2 गृहमंत्री और नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष के नेता। सीवीसी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। किन शर्तों पर हटा सकते हैं? शर्तें हैं कि सीवीसी के दिवालिया होने पर उन्हें हटाया जा सकता है, नैतिक मूल्यों के खिलाफ दोषी पाए जाने पर, अपने पद से अलग लाभ के पद पर होने पर, काम करने में असक्षम होने पर, मानसिक स्थिति सही ना होने पर, कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसकी वजह से सीवीसी इन पद पर नहीं रह सकते, या फिर करप्शन का चार्ज उन पर हो। ऐसे मामलों को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर देते हैं और उस पर फिर कार्रवाई होती है। आने वाले दिनों में सीवीसी से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लल्लन टॉप के लिए स्टोरी निशांत ने की है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो देखने के लिए, लल्लन टॉप से बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.लल्लनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।